अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नक्वी डोस्टर। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। सबसे पहले उन तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद है जिनका एडमिशन हो चुका है किसी भी प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में, और जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन नहीं हुए उनके लिए यही है कि वो कोशिश करें, अगर वो रिपीट करना चाहते हैं तो वो अगेन रिपीट करें, ठीक है। वो रिपीट करके अगेन अपना किसी अच्छे प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में और इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो ये है कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने किन बुक्स से पढ़ना है, कौन सी बुक्स आप लोगों को रिकमेंडेड है, कौन सी बुक्स लेनी है, कैसे पढ़ना है। बेसिकली आज के हमारे वीडियो बुक्स के हवाले से, कैसे पढ़ना है फॉर एग्जांपल, ये हम फिर कभी बात करेंगे। और बट आज की जो हमारी वीडियो इसमें हम ये बात करेंगे कि आप लोगों ने बुक्स कौन सी लेनी है। ये तमाम बुक्स के नाम मैंने लिख ली हैं, ठीक है, और इसकी पिक्चर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा और इसकी पिक्चर आपको वीडियो में भी मैं शो करा दूंगा, तो आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो मेन बात है वो ये है कि आप लोगों ने 75% अटेंडेंस को मेंटेन रखना है, ठीक है। जो भी आप जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस को 75% पूरा रखना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट की, चाहे वो एनाटॉमी की बात की जाए, चाहे वो फिजियोलॉजी की बात की जाए, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए, या फिर वो माइनर सब्जेक्ट्स की बात की जाए फॉर एग्जांपल, तो आपकी जो ओवरऑल अटेंडेंस है वो 75% होनी चाहिए। अगर आपकी अटेंडेंस होती है कम तो आपका एडमिशन रुक सकता है, ठीक है, क्योंकि पेपर आपके फेल भी हो जाते हैं और इवन फिर वो सेंडअप्स को भी, लास्ट पे आपके सेंडअप्स होते हैं, फिर सेंडअप्स को वो देखते हैं कि आई स्टूडेंट के आईआईटी स्टूडेंट के सेंडअप पास हैं या फेल हैं, फिर अटेंडेंस देखते हैं, फिर जाके इस स्टूडेंट का एडमिशन रुक जाता है। तो जो आपके हाथ में है वो ये है कि आप अटेंडेंस को पूरा रखें, तो इसीलिए आप लोगों ने अटेंडेंस को 75 से अबव रखना, ठीक है। दोस्तों आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बाकी माइनर सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, तो पिछले साल से पहले की बात है, पिछले साल से मॉड्यूलर सिस्टम आ चुका है। उससे पहले ये था कि जितने भी लाइक कॉलेजेस थे वो मॉड्यूलर सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे, तो वो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी पढ़ाया करते थे, ठीक है। बट इसके बाद जो ही अब मॉड्यूलर सिस्टम आया है तो माइनर सब्जेक्ट्स, और इसमें मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं और माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं। मेजर सब्जेक्ट आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है, जबकि जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके हैं फार्माकोलॉजी, बिहेवियर साइंस, पैथोलॉजी, फोरेंसिक और सर्जरी वगैरह, पीड्स वगैरह, ये जो है ये आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं। माइनर से मुराद ये नहीं है कि ये सब्जेक्ट्स मतलब कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसलिए वो मेजर है फर्स्ट ईयर के। जो ही आप थर्ड ईयर में आएंगे ये जो आपके माइनर हैं फार्माकोलॉजी, बिहेवियर साइंस, ये फॉर एग्जांपल मेजर बन जाएंगे, समझ आ गए। जो आप आगे आते जाएंगे ये मेजर बन जाएंगे और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम आपकी कवर हो जाएगी। अगर हम बुक्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर में जो एनाटॉमी है इसके ना 3-4 टोटल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक एनाटॉमी एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें 3-4 सब्जेक्ट्स आते हैं, यानी ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस, ठीक है, और एक होती है जनरल एनाटॉमी, और एक है हिस्टोलॉजी और एक है एम्ब्रियोलॉजी। ये 3-4 आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं, और इनकी कौन कौन सी बुक्स आपने लेनी है। सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है वो एनाटॉमी का है, सबसे ज़्यादा मुश्किल भी एनाटॉमी करती है और तंग भी एनाटॉमी करती है। आपने मसल्स की इंसर्शन याद करनी है, बोन्स याद करनी है, नर्व का रूट क्या है, एक जो यहाँ से नर्व आ रहे उसका रूट क्या है, एक आर्टरी आ रही उसका रूट क्या है, मसल्स पूरे बॉडी में कितने हैं, कहाँ कहाँ वो जुड़ रहे हैं, उनका ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है, उनकी मूवमेंट क्या है, ठीक है, और बॉडी के अंदर आपके इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं लाइक हार्ट हो गया, लिवर, किडनी, इनकी आप डिटेल पढ़ेंगे, इनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, ये कैसे बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने एनाटॉमी में पढ़नी है ग्रॉस में। और एम्ब्रियोलॉजी में आपने इनकी लाइक डेरिवेशन, हाउ दे बिकम, हाउ दे डेरिवेट, ये चीज़ें आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़नी है। और हिस्टोलॉजी में उसकी हिस्टो बेस पे, यानी कि टिश्यू लेवल्स पे आपने वो पढ़ना होता है। तो ग्रॉस एनाटॉमी में आपने बीडी जुरासिया लेनी है, बीडी, यानी कि बीडी एक शॉर्ट फॉर्म है, बीडी जुरासिया, ये आपने नाम याद रखना है। ग्रॉस एनाटॉमी के लिए आपने बीडी जुरासिया और KLM एनाटॉमी, ठीक है। अब जो KLM है ये भी एक बड़ी बुक है और बीडी जुरासिया भी बड़ी बुक है, बट जो बीडी जुरासिया है इसको मैं फॉलो करता रहा हूँ और इसको मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स फॉलो करते रहे हैं। हमारे टॉपर्स फॉर एग्जांपल समझ लें जिन्होंने डिस्टिंक्शंस लिए हैं, उन्होंने भी बीडी जुरासिया को ही फॉलो किया था, क्योंकि इसमें ना वो पॉइंट्स बने हुए हैं और सारी चीज़ें ना अलग अलग लिखी हुई हैं। जो KLM है इसमें ना पूरी एक थ्योरी की तरह, जैसे कि गैटन एंड हॉल है उसकी तरह इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। तो बट आपने KLM भी लेनी है, क्योंकि KLM से आपने क्लिनिकल करने हैं, जो क्लिनिकल है वो आपने KLM के करने हैं, और बीडी जुरासिया आपने सारी करनी है, यानी कि उसकी थ्योरी भी करनी है और साथ कुछ उनके बॉक्सेस होते हैं उनको हम क्लिनिकल बोलते हैं, वो भी आपने, यानी बीडी जुरासिया को
थॉरली आपने फॉलो करना है, और जो KLM है इससे आपने सिर्फ क्या लेने हैं, इससे आपने सिर्फ क्लिनिकल लेने हैं KLM से। इसके बाद ग्रेज एनाटॉमी होती है, ये कहते हैं कि ये बहुत अपर लेवल की बुक है, ठीक है, अगर कोई ज़्यादा स्टूडेंट लाइक है जो टॉप करना चाहता है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बनाना चाहता है, बट मेरे ख्याल में इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने ज़्यादा कंसेप्ट बिल्डअप कर लें, तो उसके लिए यही है कि आप लोग लाइक जो है ग्रेज एनाटॉमी ना ही लें तो बेस्ट है, बस दो बुक्स लेनी है, बीडी चौरासिया KLM और एक होती है एटलस ह्यूमन एनाटॉमी एटलस, ठीक है, वो आप एटलस ले लेंगे। उसमें ये कि आप डायग्राम्स देखते हैं, इसको आप PDF की फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी ऐप्स भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स हैं। आप एटलस ह्यूमन एनाटॉमी लिखेंगे गूगल पे जाके, या प्ले स्टोर वगैरह पे, या गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपको लिंक्स वगैरह दे देंगे। तो एटलस ह्यूमन एनाटॉमी, इसकी बहुत ज़्यादा मतलब VIP करके डायग्राम्स होती हैं, और जो ऐप है उसमें ये है, जैसे कि ये पेक्टोरस मसल है, पेक्टोरस मेजर है, इसके अंदर मैनर होता है, ये जो सामने मेजर नज़र आ रहा है, आप उस ऐप में क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, इसके अंदर वाला जो माइनर है वो आ जाएगा, उसको जब आप रिमूव करेंगे उसके अंदर जो बाकी सब मसल्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। तो इस एटलस का ये फ़ायदा है, ठीक है, आप ये बुक भी ले सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगा कि आप इसकी ऐप वगैरह और PDF वगैरह इसके रख लें। इसके बाद आती है जनरल एनाटॉमी, जो जनरल एनाटॉमी है GA, इसकी छोटी सी बुक है, इतनी सी होती है बस ये, ठीक है, छोटी सी बुक है इसकी जनरल एनाटॉमी की, ये बहुत ईजी होता है सब्जेक्ट, ठीक है, हलवा सब्जेक्ट है, और इसमें आप मूवमेंट करते हैं, ये फ्लेक्शन हो रही है, ये एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है, ये रोटेशन हो रही है, ये वाली, ठीक है, समझ आ गया ना, इस तरह ये एक्सटेंशन है, ये फ्लेक्शन है, ये मूवमेंट्स वगैरह, और इस तरह की इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। तो जनरल एनाटॉमी लाइक हुसैन, डॉक्टर लाइक हुसैन की बुक लेनी है। हिस्टोलॉजी, ये भी लाइक हुसैन की लेनी है आपने, ठीक है। इसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी, ये थोड़ा सा फिर एनाटॉमी की तरह थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट सा लगता है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। इसमें KLM, एक है KLM ग्रॉस एनाटॉमी की जो मैंने आपको पहले बताई, एक है KLM एम्ब्रियोलॉजी की, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो आपने एम्ब्रियोलॉजी की KLM ले लेनी है, ठीक है, और साथ आपने लेनी है लैंग मैम, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स, क्योंकि ना KLM थोड़ी डिटेल में है एम्ब्रियोलॉजी की, और थोड़ी लाइक टफ भी है, जो लैंग मैम है वो एक शॉर्ट बुक है, उससे भी एक छोटी शॉर्ट बुक है वो शर्जील, मैं शर्जील आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, जो लोग लैंग मैम पढ़ लेंगे ना तो आखिरी रात एक घंटे में पूरी शर्जील कर सकते, इतनी वो शॉर्ट है, उससे बस आप कंपाइल कर लेंगे, इसलिए आपने पूरा साल शर्जील को फॉलो नहीं करना, आप KLM और लैंग मैम कर सकते हैं। अगर मैं मजीद आपको प्रिसाइज करके कहूँ तो आप लैंग मैम को अगर फॉलो करते हैं तो आप लोग ईजिली पास हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हों, जो आपके कॉलेज वाले आपको लेक्चर देते हैं उनकी जो स्लाइड्स हैं उनकी PDFs लें, ठीक है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी आप लैंग मैन पे स्टिकी पैड की तरह स्टिकी नोट्स ऊपर लिखते हैं, ठीक है, लैंग मैन आप ले लें, मेरे ख्याल में लैंग मैन ले लें, ठीक है, बाद में आप KLM भी ले सकते हैं, फिलहाल आप लैंग मैन ले लें, ठीक है। ये थी एनाटॉमी। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की, बाकी आगे थोड़ा इसी सीन है। फिजियोलॉजी में आपने एक ही मेन बुक लेनी है, उसको फॉलो करना है, गाइटन एंड हॉल। कुछ स्टूडेंट्स ना फिर दोस्त फिजियोलॉजी, वो एक छोटी सी बुक है, देखिए पूरी आपकी फिजियोलॉजी इतनी सी एक बुक है, ठीक है, उसमें वो सिर्फ डेफिनेशन और थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी हैं, तो उसको फॉलो करने लग जाते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल में आपको उससे लाइक नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें चंद एक टॉपिक्स हैं जैसे कि सर्कुलेशन होगी, वो आप वहाँ से लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल आपकी जो मेन बुक है वो एक ही है, गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी, ये बुक लेनी है, इतनी सी बुक होगी, ठीक है, इसको लेना है। और इस पर आपने, इसमें ना रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, यानी वो एक चीज़ को बार बार लिख रहे हैं, डिटेल लिख रहे हैं, बट आप लोगों ने क्या करना है, अंडरलाइन करना है या साथ अपने कंसेप्ट झाड़ देनी है, जो अपने कंसेप्ट झाड़ेंगे ना वही आपके काम आएंगे, अंडरलाइन करना है, फिर हमेशा उन्हीं वर्ड्स को आपने पढ़ना है, स्टार्ट से मेहनत करेंगे आखिर तक आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल हो जाएगी। अब देखें कसम से मेरे अपने ना रिटर्न एग्जाम हुए, कल मेरा रिटर्न आखिरी एग्जाम था, अब मैं घर जाने लगा हूँ, मैंने कहा सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो पहले मैं बना दूँ, तो कल इंशाल्लाह मैंने घर जाना है, और मैंने पूरा साल लाइक कॉलेज जाता रहा हूँ, टेस्ट भी देता रहा हूँ, कुछ इधर से सुन, कुछ उधर से सुन, कुछ खुद पढ़ लिया, कुछ दोस्तों से पढ़ लिया, करते करते तैयारी मतलब कुछ हो चुकी थी, आखिर पे आके जब फाइनलाइज किया तो मेरी तैयारी ऐसे फिट हुई है ना कि जितने मेरे मतलब क्वेश्चन आए हैं 9 के 9, 14 के 14 सिनेरियो सारे मैंने पिक किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और डायग्नोज करके सबके मैंने जवाब लिखे, मेरे अच्छे हो गए पेपर। तो इसीलिए आप लोगों ने स्टार्ट से पढ़ते जाना आखिर पे आप लोग निकल जाएंगे, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग खुद देखें बुक्स इतनी ज़्यादा हैं, ठीक है, और वो पता किस बुक से बनाते हैं ये भी नहीं पता, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड बुक्स जो है जैसे बताई होंगी बीडी चौरासिया KLM ग्रेज, वो पता नहीं कहाँ से बनाते हैं, इसलिए आपने एक दो बुक्स को फॉलो करना है। तो ये FSC नहीं है कि बुक पढ़ी रट्टा मारा तो हो जाएगा, इसलिए आपने स्टार्ट से ही मेहनत करनी है आखिर पे, वरना आप लोग मर जाएंगे। तो गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी लेनी है, और साथ फिर दोस्त ले लेंगे, ये सस्ती सी है,
गेट एंड हॉल 1100-1200 इतने की आ जाएगी। और ओवरऑल जो तमाम बुक्स हैं, अगर ये मेन बुक्स लेंगे, सारी नहीं मेन जो बता रहा हूँ, ये 10,000 से 15,000 के बिटवीन आपकी आ जाएंगी। ये आप अपनी कॉलेज बुक शॉप से ले सकते हैं, वहाँ से थोड़ी महंगी मिलती हैं, आप बाहर से भी ले सकते हैं, यानी उर्दू बाज़ार जा सकते हैं और आपके आस पास आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मैं जो मंगवाता हूँ ऑनलाइन, फैसलाबाद से मेरी बुक्स आती रही हैं, तो ऑनलाइन भी आपके घर लाइक आ जाती हैं, वो सस्ती पड़ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, ये आप लिपिन कॉट बायोकेमिस्ट्री, एक और थी हार्पर, स्टूडेंट्स उसको भी फॉलो करते हैं, बट आप लिपिन कॉट पढ़े। मैंने लिपिन कॉट पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैलोज ने काफ़ी अच्छे, उन्होंने मार्क्स लिए, उन्होंने तो डिस्टिंक्शन भी लिए, मैंने डिस्टिंक्शन तो नहीं लिए, मेरे अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि मैं इतनी मेहनत नहीं करता, उनका काम ही पढ़ना है, 6-6 बार पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, फिर खुद पढ़ रहे हैं, फिर उसको पढ़ा रहे हैं, मैं तो एक दफ़ा पढ़ता हूँ भाई, बस एक दफ़ा पढ़ लिया आता है, कंसेप्ट ले लिया, अब लिख लेंगे तो। बट ये हर बंदे का अपना एक होता है, हम पास होते रहे हैं बस। तो लिपिन कॉट ले ली बायोकेमिस्ट्री की, और साथ सत्या नारायणा, यानी सत्या बोलते हैं वैसे, सत्या नारायण, इधर नारायणा लिखे मैंने, सत्या नारायण, ये सत्या उन्होंने सत्या लेनी है बायोकेम की, कुछ टॉपिक्स आप यहाँ से कर लें, दो बुक्स ये ले लें बायोकेमिस्ट्री की। ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हो गए हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं लाइक फार्माकोलॉजी, बिहेवियर साइंस, पैथोलॉजी, फोरेंसिक, सर्जरी, इसके लिए ये है कि आप जस्ट पीडीएफ ले लें, आपके पास एक पीडीएफ होना चाहिए इन तमाम बुक्स का। और मैं बहुत जल्द एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाने लगा हूँ, पिछले साल भी मैंने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बनाया था बिल्कुल फ्री, जिनमें तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ऐड हैं, उन्हें मैं गाइड करता हूँ, उन्हें मैं तमाम पीडीएफ, वो आपस में स्टूडेंट्स, वो कंबाइन होता है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए कंबाइन ग्रुप होता है, और उसमें वो तमाम चीज़ें शेयर करते हैं, कोई क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, कोई सेंड अप शेयर कर सकते हैं, उसमें मैं तमाम बुक्स वगैरह की पीडीएफ शेयर करता हूँ, तो मैं प्रॉपर गाइड करता हूँ, वो भी ग्रुप हमारा चल रहा है, वो अलग से है, वो फाइनल ईयर तक चलेगा। बट अब आप लोगों का मैंने अगेन से लाइक ग्रुप बनाना है, और मैंने उस दिन अपने ग्रुप में मैसेज किया था कि जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में आना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 100+ चैट्स मुझे आ चुकी हैं, बट मैं अब उनके नाम सेव करूँगा, बहुत जल्द एक दो दिन में मैं ग्रुप भी क्रिएट कर लूँगा जो ही लाइक क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आप लोगों ने मुझसे इंस्टा पे जाके कॉन्टैक्ट करना है, इंस्टा पे फॉलो भी कर लेंगे और मुझे मैसेज कर देंगे कि आप लोगों का किन किन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो जो ही मैं ग्रुप बनाऊंगा तो मैं आप लोगों को तमाम स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आपने इन तमाम शॉर्ट बुक्स के माइनर सब्जेक्ट्स के पीडीएफ लेनी है, ठीक है, ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और अगर आप इनकी बुक्स ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो भी बुरी बात नहीं, क्योंकि कल को यही सब्जेक्ट्स आपके मेजर हो जाएंगे, तो फिर आपने इन्हीं को पढ़ना है। बट फिलहाल मेरे ख्याल में आप पीडीएफ ले लें, क्योंकि इतने पैसे भी आप नहीं लगा सकते, फिर जो आप खुद पढ़ते जाएंगे, इससे सुना उससे सुना, कुछ सीनियर ने बता दिया, तो आप लोगों को पता चल जाएगा लाइक कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए। बट जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं ये आप लोगों ने लाजमी लेनी है, कोई एक्स्ट्रा लेंगे तो और बात है, किसी के कहने पे एक्स्ट्रा ले लेंगे खुद अच्छा पढ़ने के लिए, वो आपकी मर्जी। अगर आप इनको फॉलो करते हैं, मैं तो इन्हीं को फॉलो करता हूँ, आज तक पास हुआ हूँ, ठीक है, और हमारे स्टूडेंट्स ने तो बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, ठीक है, तो आप इन्हीं बुक्स को ले लें। और बहुत जल्द हम बाकी भी इस पर एक वीडियो अपलोड कर देंगे। ये जो मेरा कॉन्टेंट है, आपने देखा कितने यूट्यूबर्स हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं, बट ये जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि पास कैसे होना है, अगर आप फेल हो जाते हैं तो सप्ली में आप कैसे बैठते हैं, सप्ली में फेल हो जाते हैं तो आपके साथ क्या बनता है, आप कितने साल आप मतलब रिपीट कर सकते हैं, आप डिटेन हो जाते हैं, डिटेन होना क्या होता है और कितनी फी लगती है, पास कैसे होना होता है, इस तरह की जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है ये आपका भाई आप लोगों को दे सकते हो। इस पर हम बहुत जल्द कुछ वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर देंगे। आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं करनी है, हमारे अभी रिटन एग्जाम हुए हैं, इसके बाद हमारे अभी वाइवाज होनी है, क्योंकि UHS ने काफ़ी चेंजेस किए हैं, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा कि आपके वाइवा प्रैक्टिकल आप अपने कॉलेज में नहीं होते, किसी और कॉलेज में होते हैं, जिसकी वजह से तमाम कॉलेज जो हैं वो फिल हो चुके हैं, वहाँ एग्जाम्स हो रहे हैं, मतलब सेकेंड ईयर के एक महीने के बाद जाके प्रैक्टिकल हुए हैं। अब हमारे रिटर्न हो गए हैं, अभी तक प्रैक्टिकल की डेट्स नहीं आई, बल्कि जो पहले थे प्रैक्टिकल की डेट आ जाती थी, क्योंकि जब से मॉड्यूलर सिस्टम और चेंज किया उन्होंने सिस्टम, अभी तक प्रैक्टिकल की हमारी डेट्स नहीं है, तो यही लग रहा है कि 15 से 20 दिन के अंदर हमारे प्रैक्टिकल नहीं होने वाले, तो जिसकी वजह से मैं घर जाने वाला हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं करनी है कि मेरे एग्जाम्स मज़ीद अच्छे हो जाएं, अच्छे अच्छे मेरे मार्क्स आएँ, आप लोगों के लिए भी दुआएं हैं कि आप लोग कामयाब हो जाएं, आपका भाई आप लोगों को हमेशा गाइड करेगा, ठीक है। बस आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक और प्योर इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।